ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आइए चर्चा करते हैं बारह राशियों के विषय पर। आज मेष राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, व्यापार मध्यम रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र से सफलता हाथ लग सकती है। दूसरी राशि वृक, वृक राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं कृषि आदि जैसे क्षेत्रों से आपको सफलता हाथ लगेगी। तीसरी राशि है मिथुन, मिथुन राशि वाले व्यक्ति, घर परिवार वालों को पूर्णतः आपको सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न हो सकते हैं। कर्क राशि या कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को आज आप वाहन इत्यादि का क्रय विक्रय कर सकते हो, व्यापार श्रेष्ठ रहेगा। पांचवी राशि है सिंह, सिंह राशि वाले व्यक्ति, मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, अटका हुआ काम सिद्ध संपन्न होगा। छठवीं राशि है कन्या, कन्या राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, राजनीतिक क्षेत्र से सफलता हाथ लगने वाली है आपको आज के दिन। सातवीं राशि तुला, तुला राशि वाले व्यक्ति, व्यापार मध्यम रहेगा, स्वास्थ्य श्रेष्ठ रहेगा, अटके हुए काम किन्हीं कारणों से जो उलझे हुए थे वह संपन्न हो सकते हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति, भूमि का क्रय विक्रय करते हो, श्रेष्ठतम उत्तम कारक रहने वाला है। नवम राशि धनु, धनु राशि वाले व्यक्ति, आपको चाहिए कि आज आपका दिन सुंदर व्यतीत हो, सभी प्रकार से भगवान श्री सूर्य को रक्त चंदन, रक्त पुष्प इत्यादि डाल करके अर्घ दें। दशम राशि मकर, मकर राशि वाले व्यक्ति, मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, अटका हुआ काम सिद्ध संपन्न हो सकता है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ, कुंभ राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, व्यापार श्रेष्ठ रहेगा, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न हो सकते हैं, अजनबी लोगों के भेंट के माध्यम से कोई काम नया बन सकता है। बारहवीं राशि मीन, मीन राशि वाले व्यक्ति, मांगलिक शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा एवं घर में अनायास अचानक स्त्री पक्ष से कलह का माहौल किसी बात को लेकर बढ़ सकता है, सचेत सतर्क सावधान रहें। आज भगवान श्री हरि की उपासना अथवा पुखराज नामक रत्न धारण करना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहने वाला है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।